जय हिंद फ्रेंड्स, मैं हूं निम्मी कुकरेती और उत्तराखंड पहाड़ी रसोई में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम बहुत ही शानदार और बहुत ही फायदेमंद रेसिपी आपके लिए लेके आए हैं। आज हम बनाएंगे जौ का सत्तू। जौ का सत्तू गर्मियों में बहुत ही फायदेमंद होता है। मैंने इन जौ को साफ करके और धो के उसके बाद रात को मैंने ये भिगो दिए थे और अब हम इसका सत्तू बनाएंगे। भिगोने के बाद हमने इसे एक चद्दर में आधे घंटे के लिए फैला दिया था। धूप में नहीं सुखाना है, बस यह है कि इसका पानी इससे निकल जाए। अब हमने क्या करना है कि हमने गैस जलानी है। तो साथियों, गैस हमने जला ली है, कढ़ाई गर्म हो गई है। अब हमने इसमें जो हमने जौ लिए हैं उनको आधा आधा करके कढ़ाई में डालेंगे। साथियों, जौ का सत्तू इतना फायदेमंद है, आप इसे अगर अपने डेली रूटीन में लेते हैं तो सत्तू में जो मौजूद इसके बीटा ग्लूकोन होता है वह ब्लड में जो शुगर लेवल है उसको कंट्रोल करता है। तो डायबिटीज, जिसे मधुमेह भी बोलते हैं, उस रोग को ठीक करने में ये बहुत फायदेमंद है। और जिन लोगों को इस तरह की बीमारी नहीं है तो उनको ये बीमारी लगने नहीं देता है जौ का सत्तू। गैस के लिए बहुत, जिनको गैस की प्रॉब्लम होती है, गैस की बीमारी से इससे निजात मिल जाता है। गैस जो जौ का सत्तू है, इसको खाने से या इसको पीने से, जिसको कफ का प्रॉब्लम होता है, पित्त का प्रॉब्लम है, खट्टे डकार आते हैं या एसिडिटी है या भूख नहीं लगती, प्यास से संबंधित कोई बीमारी दिक्कत है, आँखों से संबंधित कोई बीमारी या कोई दिक्कत है, उन सब रोगों में यह एक तरह से उपचार के तौर पे आप इसे ले सकते हैं। संपूर्ण आहार में जितने भी पोषक तत्वों को गिना जाता है वो सब जो है जौ के सत्तू में होता है। मोटापे का तो एकदम दुश्मन है समझो आप, एनर्जी का बहुत ही जबरदस्त स्रोत है ये, लू लगने से बचाता है। यानी कि अगर हम कहीं बाहर जा रहे हैं गर्मियों के दिनों में और अगर हम सत्तू पी के जाते हैं तो ये जो बॉडी का टेम्परेचर है उसको मेंटेन करता है और लू से बचाता है। अब आप सोचिए इसमें कितने सारे गुण हैं। हाँ, ये खून की कमी को दूर करता है, यानी जिसे एनीमिया भी बोलते हैं, एनीमिया बिल्कुल नहीं होने देता है। तो सत्तू के इतने गुण हैं, लेकिन बस ध्यान देने वाली बात ये है कि किसी भी चीज़ को हम बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर लेते हैं तो वही चीज़ अमृत की जगह विष का काम करने लगती है। तो एक दिन में कम से कम एक या दो बार ही लेना चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे जिस तरह से मैंने बताया कि ये जो है शुगर की बीमारी के जो लोग हैं उनके लिए बहुत फायदेमंद होता है, लेकिन दूसरी तरफ अगर किसी को पथरी की दिक्कत है तो उसके लिए बिल्कुल भी ये फायदेमंद नहीं है। तो ये सब चीज़ें ध्यान देने वाली हैं। और इसका जो सेवन है, अगर हम गुड़ के साथ करेंगे तो इसमें जो पौष्टिक तत्व हैं उसमें चार चांद लग जाएंगे। तो साथियों, इसे हम इस तरह से भूनते रहेंगे और खुशबू आने तक इसे हम भूनेंगे। देखिए साथियों, किस तरह से ये अब चटकने लग गया है। इसको भूनते भूनते लगभग 15 मिनट मुझे हो गए हैं, मीडियम फ्लेम पे भून रहे हैं। और ये एक ट्रेडिशनल तरीका है जो मेरी दादी लोग बनाते थे, इस तरह से उस पर कलछी पे जो है कपड़ा लगा के, और इससे बहुत अच्छे से जो है ये बनते हैं, भूनते बहुत अच्छे हैं। तो इसमें मैंने कपड़ा लगा दिया है और ये बहुत अच्छे से अब भून गया है। अब हम इसको एक थाली में निकाल लेंगे और जो दूसरी बार का
है जौ रखा हुआ, उसको हम इसमें भूनने के लिए पलट देंगे। तो इसे निकाल लेते हैं साथियों। यह दूसरी बार के लिए हमने कढ़ाई में जौ डाल दिए हैं भूनने के लिए। इसे हम लगातार चलाते रहेंगे। जो पॉपकॉर्न होते हैं ना, पॉपकॉर्न में जैसे वाइट पूरा हो जाता है, इसी तरह से इसके वाइट वाइट जो है चटक के निकल गए हैं जौ के। तो इसे हम ठंडा होने देते हैं और इधर हम कढ़ाई में इसको इसी लेवल तक भून लेते हैं। तो ये देखिए साथियों, जितना हम पीस रहे हैं उसको हम छलनी से छानते रहेंगे, आराम आराम से छानेंगे। और उसके बाद जब इस छलनी के ऊपर बहुत बहुत ज़्यादा भी हमें इसे नहीं छानना है, क्योंकि इसके ऊपर जो ये हल्की हल्की भूसी है, इस भूसी को जो है हमें फिर से पीसना है। तो इतना हम छान लेंगे और ये देखिए ये ऊपर भूसी भूसी रह गई है, जिसे आप चोकर भी कह सकते हैं। तो इसको हम एक बोल में निकाल लेंगे और फिर जो दूसरी बार का हमने छानना है उसको हम छान लेंगे और फिर इससे भी जो भूसी निकलेगी उसको भी हम निकाल लेंगे और लास्ट में सबको हम पीस लेंगे। तो ये देखिए साथियों, इतना चोकर छान के निकल गया है। अब हम क्या करेंगे, जो लास्ट के लिए जौ बचे हैं पीसने के लिए, उसी के साथ में इस चोकर को हम पीस लेंगे और इसको काफ़ी देर तक पीसेंगे ताकि जो है काफ़ी महीन ये पीसेगा। तो इसे भी पीस लेते हैं साथियों। देखिए सब तो बनके एकदम तैयार है और इसको एयरटाइट डब्बे में पैक करके रख देंगे और उसके बाद जैसे मर्जी वैसे हम इसे खा सकते हैं। चलिए ड्रिंक बनाते हैं। सत्तू का जो शरबत हम बना रहे हैं उसके लिए हम लेंगे सत्तू, गुड़ और सादा पानी। तो अधिकतर लोग जो है ठंडा चिल्ड पानी या बर्फ भी लेते हैं, लेकिन हम सादा पानी लेंगे क्योंकि कई जो मैंने आपको बताया गला खराब हो सकता है, खांसी हो सकती है, जुकाम हो सकता है, तो हम इसीलिए सादा पानी हम यूज़ कर रहे हैं। तो हम ले लेंगे 2 बड़े चम्मच सत्तू और 1 बड़ा चम्मच या जितना आपको चाहिए, स्वाद के हिसाब से थोड़ा सा और डालेंगे, स्वाद के हिसाब से गुड़। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे पहले ताकि इसे हम आसानी से घोल सकें, क्योंकि अगर एकदम से ज़्यादा पानी डाल दिया तो इसमें लंग्स भी पड़ जाती हैं। इस तरह से हमें घोल लेना है। अब ये अच्छे से घुल गया है, ये देखिए। अब हम इसमें इसको गिलास भर के बना लेंगे, ये देखिए। इस तरह से, और ये देखिए साथियों, सत्तू का ड्रिंक तैयार है। तो साथियों आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, ज़रूर आप जो है अपने विचार शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और नई रेसिपी के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।